अच्छे से कि अगर ये घड़ी है तो मेरे पास बेटा एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। तो अगर मैं तुमको बताऊं जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल्स कितने, कितनी डिग्री है। तो इसका मतलब वो डिग्री का थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर मैं तेको बताऊं मिनट हैंड अगर पूरा मिनट हैंड अगर 60 मिनट्स में पूरा सर्कल घूमता है, पूरा सर्कल घूमता है मिनट हैंड 60 मिनट्स में, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री ट्रेवल करता हो, तो एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रेवल करेगा। अगर मैं तुमको बोलूं आर हैंड 12 आवर्स में अगर 360 डिग्री ट्रेवल करता है पूरा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, ऐसे बेटा आर हैंड अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री करता है तो 1 आवर में कितना करेगा 30 डिग्री। और 1 आवर में 30 डिग्री मतलब 1 आवर में 30 डिग्री मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का मतलब होता है बेटा 1 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल करता है। जो मेन कंसेप्ट है पूरा क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का, तो क्लॉक का तो यही है कि हमको शॉर्टकट में इतना जानना चाहिए कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है और आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री कवर करता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑन दिस। अगर मैं तुमसे पूछूं अगर क्लॉक पे बज रहे हैं 5:10, तो तुमसे पूछते 5:10 में आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल क्या है। अगर मैं बच्चों को समझाना चाहूं 5:10 तो कुछ ऐसे बजे होंगे जब मिनट हैंड तो वहां पे होगा और आवर हैंड कहीं यहां पे ऐसा होगा, तो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो मैं पहले गया आर हैंड के पास, आर हैंड, और मैंने आर हैंड से पूछा कि आपने कितना ट्रेवल करा है, तो आर हैंड बोलेगा मैंने 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स ट्रेवल करे है। मतलब 5 आवर एंड 20 मिनट्स मतलब बोले मैं 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता हूँ, मैं 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता हूँ, और मैं 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स मैं 1 आवर में 30 डिग्री करता हूँ और 1 मिनट में शायद 0.5 डिग्री कवर करता हूँ। तो 5 × 30 + 10 × 0.5 इतना आर हैंड ने यहां से आते 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 कवर कर लिया है। मैं गया मिनट हैंड के पास, मैंने मिनट हैंड से पूछा कि आपने क्या ट्रेवल करा है, तो उसने बोला सर मैंने तो सिर्फ 10 मिनट्स ट्रेवल करे हैं, एंड बाय 10 मिनट्स आई मीन 10 × 6 मिनट हैंड 1 मिनट में कितना करता है, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री। तो बच्चा अगर ढंग समझे तो ये बंदा ही कितना हो गया 5000, तो 5 × 30 कितना हो गया 150 प्लस 5 155 और उसने कितना करा है 60। तो फिर जब हम आर हैंड माइनस मिनट हैंड कर देते हैं, पूरा आर हैंड माइनस मिनट हैंड कर देते हैं, तो इनका आपसी एंगल आ जाता है, तो 155 - 60 दैट इज व्हाट 95 डिग्री। इसी से एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगर यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि सर अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन साथ में लेता हूं कि 4:40 में क्या एंगल है, 4:40 बच्चा समझे कि घड़ी के कांटे किस प्रकार से होंगे, ये जो कांटा होगा छोटा कांटा वो 4 और 5 के बीच में होगा, थोड़ा 5 की तरफ इंक्लाइंड होगा और 8 पे ये होगा, तो ये एंगल का आपस में होगा। तो मुझे तो एक बात पता है 4:40 में आगे कौन है बेटा, मिनट हैंड, आगे कौन है मिनट हैंड, तो विल अप्लाई मिनट हैंड माइनस आर हैंड। तो मिनट हैंड से पूछा तुमने कितने मिनट ट्रेवल कर दो, मतलब मैंने 40 मिनट, तो 40 मिनट मैं बोलू 45 मिनट × कितना 6 - r में कितना होगा 4 आवर्स प्लस 40 मिनट्स, तो 4 × 30 + 40 × 1/2 अगर आप करोगे 40 × 6 कितना होगा 240 डिग्री - 120 यहाँ पे शायद हो गया मेरे ख्याल से 140 डिग्री, ठीक है ना। तो इनके बीच में आपसी एंगल कितना हो गया 100 डिग्री, इसमें आपसी एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। थर्ड वेरिएंट समझ में आ गया, पहले आपने करा था आर हैंड माइनस मिनट हैंड, फिर हमने करा था मिनट हैंड माइनस आर हैंड। अगर बच्चों को पूछूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया एंड व्हाट टाइम बिटवीन 4 और 5 आर एंड मिनट हैंड आर एट 90 डिग्री, आर एट व्हाट 90 डिग्री,
देयर आर राइट एंगल्स, तो चार से पांच के बीच में, चार से पांच के बीच में क्या ऐसी कोई वेला होती होगी जब आर हैंड और मिनट हैंड आपस में 90 डिग्री बना पाए? शायद हाँ, ऐसा कुछ टाइम हो जब 90 डिग्री बन, या फिर बहुत बार तो एक और टाइम ऐसा भी हो सकता है जब ये चार पे ऐसा यहाँ पे कांटा हो, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो। तो सर 90 डिग्री चार से लेके पांच में एक बार बनेंगे कि दो बार बनेंगे? दो बार बनेंगे। एक बार अपन आर माइनस मिनट करेंगे और एक बार मिनट माइनस आर करेंगे। तो द चार क्वेश्चन ये था, बिटवीन 4 and 5 PM इन हाउ मेनी टाइम्स, पहले तो हाउ मेनी टाइम्स द एंगल, द एंगल्स बिटवीन द टू हैंड्स विल बी 90 डिग्री। तो द एंगल्स बिटवीन द टू हैंड्स विल बी 90 डिग्री, कितने टाइम? दो बार। सो एग्जैक्टली क्या टाइम होगा, एग्जैक्टली क्या टाइम होगा चार से लेके पांच के बीच में जब आर हैंड और मिनट हैंड का आपसी एंगल कितना होगा 90 डिग्री? तो लेट अस स्टार्ट, वो होगा चार बज के एक्स मिनट। चार बज के कितना? एक्स मिनट। तो चार बज के अगर मैं एक्स मिनट की बात करूं, इसकी बात करूं चार बज के एक्स मिनट की, तो मेरे को चाहिए एक बार चार बज के एक्स मिनट में मैंने बोला आर हैंड आपने कितना ट्रेवल करा होगा, तो आर हैंड बोला मैंने 4 × 30 प्लस एक्स इंटू हाफ, एक्स इंटू कितना हाफ। मैं क्या मिनट हैंड के पास की मिनट हैंड आपने कितना ट्रेवल करा है, मिनट हैंड ने बोला भैया एक्स मिनट से, तो अगर एक्स मिनट है तो मैंने एक्स इंटू 60 ट्रेवल करा होगा। आपको आर हैंड माइनस मिनट हैंड में चाहिए कितना? 90। कितना चाहिए? 90। तो 4 × 30 कितना हो गया 120 प्लस हाफ एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूंगा तो मेरे पास आ गया 30 डिग्री, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 5.5x। ये 5.5 बहुत बार आएगा, तो आपको 5.5 का टेबल याद कर लो या कुछ 5.5 से डिवाइड कर लो 30/5। तो अप्रोक्स जितना मुझे समझ में आ रहा है तो ये चार बज के पांच मिनट और कुछ सेकंड के आसपास इनके बीच का आपसी एंगल कितना होगा 90। आप चेक कर लीजिए जो भी आपका आंसर है। तो क्या सर एक ही आंसर आएगा? ना बेटा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। व्हाट वुड बी द सेकंड पार्ट? अगर तू समझेगा तो तब तो करना पड़ेगा मिनट हैंड माइनस आर हैंड। जब मिनट हैंड क्या होगा बेटा? आगे, और आर हैंड क्या होगा? पीछे। तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये कितने मिनट से, चार बज के एक्स मिनट, चार बज के कितना मिनट? एक्स मिनट। तो मिनट हैंड पे क्या बोलेगा? मैंने एक्स इंटू कितना करा? 6 माइनस 4 × 30 प्लस हाफ इंटू एक्स, क्योंकि आर हैंड ने 4 × 30 कर लिया। इनके बीच का आपसी एंगल कितना था? 90। तो मेरे पास कितना हो गया 6x माइनस 120 प्लस कितना? माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू कितना था? बस 90। तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ 5.5x इज इक्वल टू कितना? 210। तो x इक्वल टू 210 अपॉन में 5.5। तो अप्रोक्स अगर तुम निकालने जाओगे तो मेरे ख्याल से ये 5:40 के आसपास कुछ ऐसी वेला होगी, जो भी होगी 40 मिनट के आसपास या 39 मिनट के आसपास। अप्रोक्स तुम निकालोगे 39 मिनट के आसपास, तब जाके इसका एंगल कितना होगा तुम्हारा? 90 डिग्री। तो सर क्या ऐसा ही हम 180 डिग्री भी कर सकते हैं? हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, अगर मैं तुमको थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव समझाना चाहूं कि 5 और 6 के बीच में कब ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन होंगे? सर स्ट्रेट लाइन में तभी होंगे जब इनके बीच में आपस में एंगल कितना हो? 180। तो मैंने बोला चलो 5 और 6 के बीच में कब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसे करेंगे 5:00 x में, मान लीजिए कितना x में। तो अगर मैं r माइनस मिनट हैंड करूंगा, और मैं कितना करूंगा मिनट हैंड, तो आप समझिए कैसा होगा। तो 5 hours + x minutes ऐसा कुछ बोलेगा, तो ये तो ऐसा कुछ करेगा 5 × 30 प्लस एक्स इंटू कितना आधा, माइनस मिनट हैंड क्या बोलेगा मैं तो x मिनट जा रहा हूं, तो x इंटू कितना 6 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू मुझे चाहिए कितना? 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन है, ये सेम स्ट्रेट लाइन में है। तो 5 × 30 प्लस हाफ एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू कितना? 180। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं ये चले जाएगा उधर और ये ऐसे चले जाएगा, तो 150 माइनस 180 इज इक्वल टू 5.5x। मुझे माफ करना, आंसर थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब आर माइनस मिनट नहीं होगा, क्या होगा? मिनट माइनस आर। कुछ मत करो, 2 मिनट में क्वेश्चन को उल्टा करो सर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक बार ही रहते हैं, दो बार ही रहते हैं। तो मिनट माइनस आर करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 6 × x - 5 × 30 + ½x इज इक्वल टू कितना? 180। अब आप देखो क्यों जाएगा 6x - 150 - ½x इज इक्वल टू कितना? 180।
अगर आप ढंग से देखो तो ये होगा साढ़े पांच एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस 150, तो साढ़े पांच एक्स इज इक्वल टू शायद 330। इतना मैं समझ पा रहा हूँ 330, एक जीरो बढ़ा दे 55, 11 फाइव जा 11 थ्री जा शायद मेरे ख्याल से 60। हाँ सीधी बात है, पांच और छह के बीच में कब ये स्ट्रेट लाइन होगी, जब छह बच जाएंगे, 5:60 में, जब छह बच जाते हैं तो कांटा कैसा होता है, छह से ही बचते मेरे ख्याल से, पांच और छह के बीच तो एंगल कितना गया 60 डिग्री। इन अब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं, सात और आठ के बीच में व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर, व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर, तो बच्चा ये बात समझे कोइंसाइड ईच अदर का लॉजिकल मीनिंग क्या हो गया, कि जब आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये मिनट हैंड हो और ये क्या हो आर हैंड एक दूसरे के ऊपर, मतलब इनके बीच का आपसी एंगल क्या हो जाए जीरो, तो इसका मतलब मैं बोलता हूँ भाई सात और आठ के बीच में 7:00 x में से कितना x में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × कितना 30 प्लस x * कितना हाफ, दिस इज आर हैंड माइनस मिनट हैंड, मिनट कितना 6 × x इज इक्वल टू कितना चाहिए 0 is equal to 0 क्यों चाहिए, क्योंकि coincide each other कर रहे हैं, तो 7 × 30 कितना हो गया अपने 210 plus half x minus 6x is equal to कितना 0, इसको उधर भेज दे बेटा, तो 210 is equal to कितना 5.5 x, x is equal to कितना 210, एक 0 लगा दिया ये कितना आ जाएगा 55, तो मेरे ख्याल का जो भी है शायद 3 या 4 में कहीं से कटेगा, तो 39 में शायद 7 और 8 के बीच में 7:39 हो गए, तब को देखो ना 7:39 मतलब ये 6 ये 7 है और ये कितना है 8, 7:39 के आसपास से 38 के आस बड़ा काटा यही होगा और शायद छोटा काटा भी यही होगा, अब चेक कर लो 7:39 पे 7:38 बड़ा काटा और छोटा काटा क्या हो गया सेम डायरेक्शन, बोलो कोई डॉट तो नहीं आता। अच्छा अब एक कंसेप्ट ये भी आता है बेटा कि एक घंटे में कितनी बार हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स अगर मैं तेरे को बोलूं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अगर बोलूं टच एट राइट एंगल्स, इस सब क्या को रिवर्स ऑन टच एट राइट एंगल्स कितनी बार होते हैं एक घंटे में, नहीं बेटा 24 आवर्स में, आपको ये बात जानना जरूरी है 24 आवर्स में कितनी बार ये राइट एंगल होते हैं, कितनी बार ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं और कितनी बार ये सेम मतलब कोइंसाइड करते हैं, जितना मैं आपको बता चाहूं तो एक 24 घंटे के दिन में ये 44 टाइम्स राइट एंगल्स पे होते हैं, 44 टाइम्स पे होते हैं राइट एंगल्स, ये स्ट्रेट लाइन में 22 टाइम होते हैं, कितने बार होते हैं 22 और कोइंसाइड कितनी बार होते हैं 22, सर 24 घंटे में 24 बार नहीं नहीं नहीं, कि जब काटा 12 पे होता है ना 12 वाला, तो 12 वाला हुआ एक आवर या एक चीज काउंट नहीं होती है, एक चीज कम काउंट होती है, तो अगर 12 घंटे हैं तो एक कोइंसाइड कितनी बार होंगे 11 बार, अगर ये 12 घंटे हैं तो स्ट्रेट एंगल में कितनी बार होंगे 11 बार, तो एक कम होता है, इसीलिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 2 से करा, क्योंकि 12 घंटे दो बार है, तो 22 और वहां पे कितना 44। अब दूसरा बच्चे को ये मुझसे बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि अगर सर एक बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आज मेरी क्लॉक सेट है, पहला तो सेट है मेरी क्लॉक संडे के दिन, जब मैं 12 नून बोल रहा हूं तो आज तक का टाइम भी 12 नून ही है, बिल्कुल राइट सेट है, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी क्लॉक थोड़ी तेज चलती, तो माय क्लॉक इज अगर मैं देखो बोलूं 5 मिनट फास्ट एवरी 10 आवर्स, माय क्लॉक इज 5 मिनट फास्ट एवरी 10, या मैं माय क्लॉक इज लेट्स से मैं बताऊं माय क्लॉक इज 48 सेकंड फास्ट पर आवर, हर घंटे 48 सेकंड तेज चलती है, 48 सेकंड तेज चलती है, तो पूछना चाह रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन जब आज तक बोल रहा है कि उसके अंदर 2 बजे तो मेरी घड़ी क्या बता रही है, जब आज तक बोल रहा है 2 बजे पे तो मेरी घड़ी क्या बता रही है, तो मैंने बोला 2 मिनट रुक अपन हिसाब किताब करते हैं, मैंने बोला देख संडे के 12 बजे से मंडे के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं 24, फिर मंडे के 12 से ट्यूसडे के 12 तक कितने घंटे हो जाएगा अगेन 24, फिर ट्यूसडे के कितने हो रहे हैं 2, तो अप्रॉक्स 24 48 48 प्लस 2 50
50 आर्स का जूल हो चुका है इससे, वो पर आर कितना करता है 48 सेकंड, तो 50 आर्स कितना लगेगा 50 into 48 होता है कि हमारे पास 240 आए 2400 seconds, 2400 seconds का झोल हो चुका है सर। 2400 seconds means how many minutes divided by 60, तो अगर मैं तेरे को बोलूं तो it equal to what 4 minutes और 40 minutes, तो जब 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 सुनिएगा अगर 40 minutes आ रहा है तो जब ये ट्यूसडे को आज तक 2 बजे शो कर रहा होगा, जब आज तक 2 बजे शो कर रहा होगा तो मेरी घड़ी क्या शो कर रही होगी? अब आपसे क्वेश्चन मार्क है, क्या वो 2:40 शो कर रही होगी कि वो 1:20 शो कर रही होगी? सर 40 मिनट का तो झोल है, अब बच्चा यहां पर भी क्या भावनाओं में जाता है, अगर अपनी घड़ी फास्ट, अगर अपनी घड़ी फास्ट है और राइट क्लॉक टाइम कितना है 2, तो अपनी घड़ी कितना शो कर रही होगी 2:40, क्यों हमारी घड़ी फास्ट है ना, तो जब इसमें 2:40 हो रहे होंगे तो यहां पे कितने हो रहे होंगे 2, बोलो कोई डाउट तो नहीं आता सर। एक बार और अगर अपन थोड़ा सा और गेम चलाना चाहें तो वो इतना आ सकता है आपके पास कि अगर मैं तेरे को बोलूं, मुझे एक बच्चे ने बोला सर मंडे को रात को 9 बजे मैंने मेरी घड़ी पे बिल्कुल प्रॉपर मैच किया आज तक की घड़ी से, तो आज तक पे भी कितने बजे थे 9 PM हो रहे थे रात को और अभी 9 PM हो रहे थे मंडे को, अब ट्यूजडे को मेरी घड़ी ट्यूजडे को या मंडे को लेट्स से वेनसडे को मेरी घड़ी जब बता रही है एग्जैक्टली 8 PM, तो बताओ एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा अगर मेरी घड़ी 10 सेकेंड पर आर स्लो, 10 सेकेंड पर आर क्या है स्लो, तो व्हाट डज दिस मीन? तो पहले तो बड़ा चिंता मत कर, लेट्स कंटिन्यू विद दिस कि अपन को मंडे को बेटा रात को 9 PM पक्का सेट करके सोया, बच्चा बोला हाँ पक्का सेट करके सोया, मैं मंडे की रात से ट्यूजडे की रात 9 PM कितने घंटे में बेटा, बच्चे ने कहा 24, मतलब ट्यूजडे से वेनसडे की रात की 9 बजे तक 24 होंगे, तो 9 बजे तक पहुंचना कितने को 8 बजे तक पहुंचना है 8 मिनट, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा कम तो कितने घंटे में 23, तो बेटा इस दौरान में तेरे पास झोल कितने घंटे का आ चुका है 47 आवर्स का, तेरी घड़ी झोल कितना करती है 10 सेकंड पर आर, तो 47 × 10 मतलब 470 सेकंड का झोल कर चुकी हुई तेरी, अच्छा 470 सेकंड मतलब कितना डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60 करो तो मेरे ख्याल से कितना है जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ आराम से तो आपका 420 सेकंड तो पूरे होते होते 420 सेकंड मतलब 7 मिनट होते 7 मिनट 50 सेकंड, कि 480 को 6 सेकंड हो जाएंगे 6 मिनट हो जाएंगे, तो कहने का मतलब है 7 मिनट 50 सेकंड का तेरी घड़ी फास्ट हो चुकी है कि स्लो हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, इसका मतलब जब तेरी घड़ी 8 बजा रही है तब आज तक भी कितने और होंगे, प्लीज आप दोनों ऑप्शन सुनना, 8:07 मिनट 50 सेकंड की 7:52 मिनट 10 सेकंड, इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा? तेरी घड़ी 8 बजा रही है तो एक्चुअली जो एक्चुअल टाइम है वो 8:07 मिनट 50 सेकंड हो रहा होगा कि 7:52 मिनट और 10 सेकंड, 8:07 मिनट और 50 सेकंड हो रहा होगा, तेरी घड़ी स्लो थी तो तेरी तू अगर तू तेरी घड़ी तो स्लो है मतलब तू 8 पे है तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम तो उससे क्या हो रहा है ज्यादा ही हो रहा है। आई होप आपको टू स्लो टू फास्ट समझ में आ गया। एक लास्ट वैरायटी बचती है बेटा आपके क्लॉक एंड कैलेंडर में कि अगर मैं तुमको बताऊं कि हम ऐसे ही संडे को 2 बजे मस्त खाना वाना खा के बैठे, संडे को 2 PM पे मेरी घड़ी आज तक की घड़ी से 20 सेकंड पीछे, या बोलू 2 मिनट्स एंड 25 सेकंड पीछे, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैंने वही देखा मंडे को, लेट्स से मंडे को मैंने शाम को 8 बजे देखा तो मेरी घड़ी आज तक के टाइम से 1 मिनट और 15 सेकंड फास्ट है सर, मतलब पहले आपकी घड़ी पीछे थी और अब आपकी घड़ी क्या हो चुकी है आगे हो चुकी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले बात तो अगर मेरी पहले घड़ी पीछे थी और अब अगर मेरी घड़ी आगे हो चुकी है इसका मतलब मेरी घड़ी चल तो फास्ट हुई,
मतलब वो चीजों को कवर अप कर रही हो, पीछे तो आगे चल रही है, लेकिन क्या मेरी गाड़ी एक्चुअल टाइम पे चल रही है, फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही है। मेरे को तो किसी ने बोला सर आपकी घड़ी कभी टाइम थे दिखाई नहीं सकती, आप तो वाहियात आपकी घड़ी है, आप तो कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त आया क्या जब आपकी घड़ी और आज तक की घड़ी कभी सेम बताया हो, आपकी घड़ी तेज कभी तेज चलती कभी स्लो चलती, तो कभी आपकी घड़ी गलती से भी आज तक से मैच करती है? बोला हाँ यार कभी ना कभी तो मैच करेगी सर, कभी ना कभी क्यों मैच करेगी बेटा, कभी मैं पीछे था कहीं मैं आगे हूं, तो इस बीच में कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं पहले पीछे था कितना बेटा 2 मिनट और 25 सेकंड्स, 2 मिनट और 25 सेकंड मतलब कितना 120 प्लस 25, तो मैं एक दिन कभी 145 सेकंड पीछे था, और आज क्या मैं 1 मिनट और 15 सेकंड आगे हूँ, 1 मिनट और 15 मतलब कितना था 75, तो इतना सेकंड में आगे हूँ और इतना सेकंड में पीछे, तो कभी ना कभी तो झूम झूम करते करते कभी एक टाइम तो आया होगा जब मैं और आज तक क्या रहे होंगे सीन, वो टाइम रहा होगा जब इसने अपने पुराने 145 सेकंड कवर कर लिए होंगे। तो सर आप वो वक्त बताओ जब आपकी घड़ी और आज तक की घड़ी सेम है। तो मैंने बेटा तू चिंता मत कर, लेट अस चेक कि हुआ क्या। मैं बोलूं देख बेटा मेरी घड़ी झोल कितने घंटों में कितना सेकंड का देख लेते हैं, मेरी घड़ी कहां -145 सेकंड पर थी और मेरी घड़ी कहां 75 सेकंड पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब मेरी घड़ी ने टोटल झोल जो करा है वो करा है कितना 220 सेकंड करा है 20, कहां वो नीचे थी और वो कब पहुंच गई ऊपर। ये 220 सेकंड का झोल करने में उसको वक्त कितना लगा, संडे की 2 से मंडे की 8 प्लस संडे की 2 से मंडे की 2 तो कितने घंटे का बेटा 24 प्लस कितना 6, तो इसने 220 सेकंड का झोल किया कितने घंटे में 60 आवर्स, कितने घंटे में 60 आवर्स में। तो मेरे को तो ये पता करना है कि ये 30 आवर्स अगर हम बात करें 30 आवर्स, तो मेरे को तो ये पता करना है कि ये पर आर कितने सेकंड्स का झोल कर रही है, पर आर कितने सेकंड्स का झोल कर रही है। तो आई शुड डिवाइड 220 बाय व्हाट, सॉरी अपन करते हैं पर सेकंड का झोल कितने घंटे में हो रहा है, उल्टा कर सकते हैं। तो मुझे बताया कि पर सेकंड का झोल कितना हो रहा है, पर सेकंड कितने घंटे में हो रहा है, तो 30 घंटों में 220 सेकंड का झोल हुआ है, कितने घंटों में 30 घंटों में 220 घंटों का झोल हुआ है। तो इसका मतलब पर सेकंड 3/22 का झोल हो रहा है, 3/22 का झोल हो रहा है। अब आपको कितने तक का झोल चल जाएगा, जितना ये नेगेटिव जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव आ जाए, ये कितना झोल है पर सेकंड का झोल है, तो 145 सेकंड का झोल कितने घंटे में हुआ होगा। तो इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाई किससे 145, मल्टीप्लाई कर दिया 145, तो 3 × 145 इज आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है 435, बच्चे बोल रहे हैं 435 डिवाइड बाय कितना 22, तो अप्रोक्स अगर अपन निकालें तो 121215, तो शायद 9 हो गई होगा, तो 19 आवर्स और कुछ मिनट आएंगे जा, देखो कितना है 19 आवर्स और अगर मैं तुमको बताऊं 22 9 इज समथिंग 188, 17 होता शायद